राज्यसभा चुनाव में चार राज्यों की 16 सीटों पर वोटिंग के बाद जयपुर और बेंगलुरु में काउंटिंग हो रही थी, तो वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट खारिज कराने के लिए राजनीतिक दलों की गाड़ियां दिल्ली के चुनाव आयोग का दफ्तर काट रही थी। दोपहर 4 बजे शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 9 घंटे तक चला। काउंटिंग के बाद हरियाणा से गांधी परिवार के करीबी नेता और कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से चुनाव हार गए। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की बाड़ेबंदी सफल रही और पार्टी के तीनों कैंडिडेट चुनाव जीत गए। अगर एक वोट भी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट प्रमोद तिवारी को कम मिलता तो यहां भाजपा की जीत हो सकती थी। राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को जुटाना शुरू कर दिया था। उदयपुर में जहां पार्टी का चिंतन शिविर हुआ था तो वहीं सभी विधायकों को ठहराया गया। इधर बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को और निर्दलीय विधायकों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मिलते रहे। कांग्रेस ने 4 सीटों में से 3 पर कैंडिडेट उतारे थे। 3 सीट जीतने के लिए 123 वोटों की जरूरत थी। वोटिंग के बाद कांग्रेस को 126 वोट मिले हैं। वहीं चुनाव में सुरजेवाला को 43, वासनिक को 42 और तिवारी को 41, वहीं घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं। निर्दलीय सुभाष चंद्रा को 30 वोट मिले, वो चुनाव हार गए। कर्नाटक में संख्या के हिसाब से भाजपा के खाते में 2 ही सीट आ रही थी, लेकिन 4 सीटों पर हो रहे चुनाव में कांग्रेस ने 2 और जेडीएम ने 1 कैंडिडेट उतार दिए। चुनाव परिणाम में भाजपा के 3 सदस्यों को जीत मिल गई, जबकि कांग्रेस के जयराम रमेश भी उच्च सदन में पहुंचने में कामयाब रहे। तो वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना का 2रा कैंडिडेट हार गया तो भाजपा को 1 सीट अधिक मिली। काउंटिंग के साथ ही शिवसेना को बड़ा झटका लगा। पार्टी के दूसरे कैंडिडेट संजय पवार भाजपा के धनंजय महाडिक से चुनाव हार गए। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के 3 शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से 1-1 सांसद बने हैं। आयोग ने शिवसेना के 1 विधायक का वोट रद्द कर दिया था।